देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सब बच्चों को पता है, जब कभी भी हम परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो सारा किसके अंदर आता है मेरे बच्चे बताओ, इन्वेस्टिंग है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में खाली क्या देखना है, कैश का फ्लो, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस, सीधी बात, नो बकवास। अब इन्होंने टी एस ग्रेवाल जी ने इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। कहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज करना, एंड ब्लावी पेन दे एक एक्विजिशन करना, परचेज करना, एंड डिस्पोजल करना, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, सेल करना ऑफ किस चीज़ का, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो मेरे बच्चों कहाँ चली जाएगी, कैश एंड कैश वो करंट इन्वेस्टमेंट्स की तरह डील कर जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। अब देखो सिंपल इसलिए कह रहा है, जो कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो है रिलेटिंग टू फिक्स एसेट्स, ये आप घर पे जाके लिख लेना, मेरे लिखवाने का मन नहीं आज तो फिक्स एसेट्स, शेयर एंड डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, एडवांसेस एंड लोन्स टू थर्ड पार्टीज एंड आल्सो द रीपेमेंट्स क्लासिफाइड एज शोन अंडर द हेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सीधी सी बात है सर, हम ना एक वर्ड ध्यान रखेंगे, कौन सा वर्ड ध्यान रखेंगे, सोर्स, सोर्स वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। चले आगे, तो यहाँ पर लिखा है इट शोज द एक्सटेंस ऑफ विच इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड ऑफ रिसोर्सेज फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू एंड कैश। तो सर हटाओ ना यार, अब यहाँ पर क्या कहता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाना है। तो सर क्या कल क्या आपने एग्जाम्पल में ही सब समझा दिया था, अरे मेरे भाइयों मैं आपको सब पहले समझा चुका हूँ, बस आज ये मैं बोर्ड पे ना लिख के थोड़ी बुक के यूज़ कर रहा हूँ, और आप बस इसको घर से क्या कर देना, छाप देना। अरे बोल दो यार। यस सर। अब देखो तुम्हें सब कुछ आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा, ये ऊपर इन्होंने इनफ्लो लिख दिया, नीचे लिख दिया आउटफ्लो। अरे बोल दो यार। यस सर। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस वाले सारे एक साथ लिखने और माइनस वाले सारे एक साथ लिखने, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए। अरे बोलो हाँ है ना। यस सर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लस वाले क्या करने हैं एक साथ लिखने हैं और माइनस वाले क्या करने हैं एक साथ लिखने हैं। अरे बोल दो यार। यस सर। ये तो इनकी आदत है, इनकी आदत क्या है, इन्हें थोड़ा सिस्टमेटिकली थोड़ा बढ़िया बनाना था, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। अरे बोल दो यार। यस सर। चलो सर नो प्रॉब्लम, अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, तो मेरे बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अरे बोल दो यार। यस सर। लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये सब है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, ये सब तुम्हें कल मैंने समझाया था, मशीनरी बेचोगे, फर्नीचर बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, ये सब कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड होना। इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है बताओ सारे बच्चे, व्हाई वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट, क्योंकि लोन लिया था, दिया था, दिया था, क्योंकि लोन लिया था, दिया था, इंटरेस्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने किसी को लोन दिया है, या फिर हमने डिबेंचर परचेज करे हैं। अगर हम लोगों ने डिबेंचर परचेज करे तो वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। उसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस देना, चाहे आप शॉर्ट टर्म लोन दो, अब लोन एंड एडवांसेस आप दिया था उसकी वापसी हो गई, अरे बोल दो यार। यस सर। तो लोन देना इन्वेस्टिंग है, तो लोन की वापसी होना भी क्या है, इन्वेस्टिंग है। रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनसीआई, आपको इनकम हो रही है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आएगी। रेंट रिसीव्ड, याद है ना कल समझाया था, बोल दो ना भाई। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड क्यों मिलता है, क्योंकि हमने शेयर परचेज कर रखे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें डिबेंचर पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये बस एक तरीका है कि बस बता रहा हूँ, आज हम ऑपरेटिंग को टच नहीं करेंगे, आप बस खाली हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसके क्वेश्चन आप करोगे। ये कल ही मैंने समझा दिया, तो बस आज ये बताऊँगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं और क्वेश्चन में कैश का फ्लो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कैश का फ्लो। यूज का मतलब है पैसा कितना गया, बोलो ना। yes, sir. तो आपने टेंजिबल एसेट्स परचेज कर ली, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स परचेज कर ली, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, एनसीआई, लोन से एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया, शेयर खरीदना, डिबेंचर खरीदना, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, इन्वेस्टिंग। अब अगर पॉजिटिव बच जाएगा तो कैश का फ्लो हो जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा तो यू कैन से यूज है, बाकी आप सिंपल लिख दो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात है ना। अब सर ये तो हमें समझ में आ गया, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली ऐसी बात लगी नहीं, बट सर आप क्यों परेशान हो रहे। एक्चुअली क्या होता है, आपको ना आपको वो डाटा ऐसा देगा कि आपको फ्लो निकालना पड़ेगा। कल जो मैंने एग्जाम्पल बनाया था उसमें बैंक अकाउंट आपको दे रखा था,
तो आपको फ्लो निकालने की आवश्यकता नहीं थी। कल बस खाली आप लोग क्या कर रहे थे, कल आप खाली आइडेंटिफाई कर रहे थे कि वो ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग। मतलब एक डब्बा था, डब्बे में पैसे आ रखे थे, तो तुम्हें इतना पता था इतना पैसा आया इतना पैसा गया, और हर पैसे के नोट के पीछे चेक भी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? चेप, टेप लगा हुआ था, और उस टेप पे लिखा था शेयर इशू करके पैसा आया, डिबेंचर इशू करके पैसा आया, लोन लेके पैसा आया, मशीनरी बेच के पैसा आया। तुम्हारे पास एक डब्बा था कल, और फिर तुमने क्या करा था, उस एक डब्बे में से तुमने क्या करा था, तीन डब्बे बनाए थे। अरे बोल दो भाई। अलग अलग तीन डब्बे बनाए, और उसमें तुमने कहा अच्छा ऑपरेशन से आया, उसको ऑपरेटिंग में डाल दिया, मशीनरी वशीनरी बेच के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से आया, उसको तुमने कहा डाल दिया इन्वेस्टिंग, और जो शेयर इशू करके डिबेंचर इशू करके उसको तुमने कहा डाला था फाइनेंस। सोर्स वर्ड कल मैंने आपको बहुत अच्छे से मेहनत कराई, इसे आसान तरीके से नहीं समझा पाऊंगा बच्चों। नाउ अगर हर बार तो ऐसा नहीं है ना कि वो डब्बा देगा, कई बार ऐसे बोलेगा मशीनरी स्टार्टिंग में 10 लाख की थी, एंड में 15 की होगी। अब प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस। अब बताओ, मैं बोलता हूँ एक अब दो साल की बैलेंस शीट दे दी, या साल के स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस बता दिया, साल के एंड का क्लोजिंग बता दिया। अब मुझे बताओ, आपको बोलता है कि भाई साल के स्टार्टिंग में मशीनरी 10 लाख की थी, और अब मशीन कितने की हो गई, 15 लाख की। अब बताओ आपके हिसाब से कैश का फ्लो क्या होगा, क्या लगता है आपको? प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस। आउटफ्लो हुआ कितना? 5 लाख रुपए का क्या हुआ आउटफ्लो? सुनो, अब 10 लाख से मशीनरी 15 लाख की हो गई। सर आपने बड़ा सिंपल सा समझाया, क्या समझाया सिंपल सा, कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में हमें खाली क्या देखना है, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। अब हमें ये देखना है ना कि पैसा आया कितना। मशीनरी 10 लाख की थी, मशीनरी 10 से कितने की हो गई, 15 की। तो सर पैसे को पकड़े तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 5 लाख की मशीनरी हमने क्या करी है, खरीदी है, और खरीदी है तो हमारी जेब से क्या हुआ है, पैसा गया। पैसा गया तो क्या करेंगे, माइनस। वहीं नीचे एक एडजस्टमेंट में लिख दिया कि भैया मशीनरी परचेज बाय इशू ऑफ शेयर्स, मशीनरी परचेज करी गई है शेयर इशू करके। अब बताओ क्या आप उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। मेरा क्वेश्चन ही ऐसा है, खुद ही पता चल जाए। क्यों? क्योंकि कैश का तो फ्लो ही नहीं हो रहा ना। जवाब दो यार, हमारे लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में बस इतना सा है, पैसा आएगा तो प्लस करूंगा, पैसा जाएगा तो माइनस। अब मेरे को कोई मशीनरी गिफ्ट कर देता है तो मैं उसे नहीं दिखाऊंगा कैश फ्लो में, क्योंकि उसकी वजह से कैश का फ्लो नहीं बढ़ जाएगा। अगर आप दिखा दोगे तो समझ में आ गई बात। ये नहीं बताओ, शेयर इशू कर दिया, अब हमने शेयर इशू करना हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट अगर लिख दिया शेयर इशूड एज बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होते हैं, फ्री में शेयर इशू करना, तो बोनस शेयर की वजह से कोई भी पैसा नहीं आता, तो उसका फ्लो नहीं दिखा। समझ आया? तो सर अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें ट्रिकी क्या होगी? तो बहुत आसान चीज़ हो गई सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसमें ट्रिकी वो ऐसे बनाया, कहेगा भैया ऐसा है, इतना आसान नहीं आना पेपर में तुम्हारे। कहेगा फ्लो निकालो, क्या निकालो, फ्लो निकालो। फ्लो निकालने के लिए कहेगा भाई चलो चलते हैं 11th class में, और चलते हैं डेप्रिसिएशन पर। कहाँ चलते हैं? डेप्रिसिएशन पर। याद है आप लोगों को डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर? बाकी मेरी वीडियो देख लेना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा 11th class की भी। कहता है भाई कैसे बनाते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैंने बोला था कि 12th में तुम्हारे कई काम आएगा डेप्रिसिएशन, तो आज वो दिन आ गया। अब याद करो एसेट्स अकाउंट बनाने के दो तरीके होते थे, याद करो। एक होता था SLM और SLWD, तो डेप्रिसिएशन लगाने के तरीके। SLM और WDV तो क्या है, डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका। लेकिन जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते थे तो दो तरीके होते थे। एक होता था हम एक ही अकाउंट में सारा काम कर रहे थे, याद है, मशीनरी खरीदना, डेप्रिसिएशन लगाना, बैलेंस डी और बैलेंस बीडी और सेल लॉस वगैरह सब कुछ, बोल दो यार। और एक था जब हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि हम डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड सारा काम मेंटेन कर रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आई बातें? नहीं वैसे तो मेरे सामने बना हुआ है, बट आपको ऐसे समझाऊंगा तो शायद आप, पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा। एक जना कॉपी पेन दे दो फटाफट, थोड़ा सा आपके सामने चीज़ें बनेगी तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। लाओ ना,
मान लेते हैं मशीनरी अकाउंट, इधर देखो बातें नहीं, मान लेते हैं मशीनरी अकाउंट बनाना है या कोई भी फर्नीचर कोई भी एसेट अकाउंट बनाना है, आप इधर आ सकते हो, नहीं दिख रहा तो तुम दोनों बच्चे इधर आ जाओ, आजा आजा, शर्माओ मत भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इधर देखो। अब बताओ मशीनरी के बैलेंस क्या होते हैं, मशीनरी क्या होती है एसेट्स, और एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं डेबिट, एसेट्स के बैलेंस क्या होता है डेबिट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। जी सर, तो मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, मशीनरी अकाउंट में यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, बनाओ अब मुझे बताओ फटाफट। तो जब अगर हमारे पास पहले का बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी यहाँ पर आएगा, बोलो हाँ या ना। उसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, बाय बैलेंस सीडी। मैं एक ही काम में सब कुछ कर रहा हूँ, यानी कि मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं शो कर रहा हूँ, एक अकाउंट में मैं सब कुछ कर रहा हूँ। इसको आप WDV बोल सकते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू, नहीं ये मैं सोच रहा मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप डेप्रिसिएशन भी इसी अकाउंट में लगाओगे तो WDV तो शो करेगा, कहने का मतलब क्या है, बुक वैल्यू शो करेगा, क्या शो करेगा, बुक वैल्यू। 11th क्लास है बस, जो काम की चीज़ है वो करते हैं। बताओ अगर हम बात करते हैं मशीनरी को सेल करते थे तो हम कौन सी साइड में एंट्री आती थी, क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट करके क्या डाल देते, सेल। लॉस होता था तो हम क्रेडिट साइड डालते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल, जवाब दो यार। डेप्रिसिएशन होती तो डेप्रिसिएशन को भी कहाँ डालते थे हम, क्रेडिट साइड। अगर प्रॉफिट होता तो हम कहाँ डालते थे, डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, जवाब दो मेरे बच्चों। और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, अब एक बात बताओ, परचेज करते थे तो हम कहाँ निकालते थे, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, समझ आई बात या नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, कहेगा मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू इतनी है, उसको इतने में बेच दिया, तो प्रॉफिट लॉस आप खुद निकाल लोगे, समझ आया नहीं है। तो ये क्या निकल जाएगी, बैलेंसिंग फिगर, समझ आया नहीं है। और आप जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हो आपको फालतू आइटम से कोई मतलब ही नहीं है। अभी समझाया इन्वेस्टिंग बनाते वक्त किस चीज़ का ध्यान देना है, पैसा आया प्लस, पैसा गया तो माइनस। तो बताओ पैसा आया, ये है पैसा आया, कितने का पैसा आया है, जितने का भी है, और ये क्या है, पैसा गया, ये बेसिकली क्या है, परचेज, समझ में आ गई बात या नहीं आई। ये आपका कॉन्सेप्ट, बस सर करा के दिखाओ, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, क्या बात है, सब कुछ करना है, सर प्रैक्टिकल कराओ, जिंदगी में बिना प्रैक्टिकल के क्या, इधर देखेंगे। ग्लोबल लिमिटेड के पास मशीनरी है, WDV वैल्यू दे रखी है कितने रुपए की, 8,60,000 स्टार्टिंग में, और एंड में कितने की है, 9,50,000। डेप्रिसिएशन भी लगी है ड्यूरिंग द ईयर 40, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कह रहा है, साल के स्टार्टिंग में ही 25, एक आइटम था मशीनरी का, कितने का बेच दिया, वह सोल्ड फॉर 25, और जब किसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितने की थी, 20, कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम तो बना देंगे, हमें तो सर बहुत अच्छा आपने समझाया, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। लेकिन सर अब इतनी सारी कहानी दे रखी है, उसमें पैसा आया तो यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा, सर बना दो ना अकाउंट प्लीज। लो सर बच्चों, इसमें मुझे क्या दिक्कत है, हमारे पास भाई सारा सिस्टम है, ऐसी कोई बात नहीं है, देख रहे हो आप, सारा जुगाड़ है भाई सर। चलो जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है भाई सर, मशीन देखो। बताइए सारे बच्चे, तुम्हें बताऊंगा दोनों को, बेटा रुक जाओ तुम। सुना नहीं तुमने, तुम्हें पहले वाले बताया, ये दोनों ये शकल से बहुत सरी बनता है, ये क्या नाम है, बहुत आरामी है भाई साहब। वैसे डेट के कॉलम की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी देखो, 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बीडी बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना है जल्दी से बताओ, कहता है कितने रुपए का, 8,60,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ, 31 मार्च। सॉल्यूशन देख के मत बताना भाई साहब, और इनको पहले कॉपी कर ले और बताओ कितने का, 9,50,000। बताओ मशीनरी बेची हमने, यस स्टार्टिंग में ही बेच दिया, पूरी मशीनरी नहीं एक पार्ट बेका है, तो बाय बैंक अकाउंट क्या सेल वैल्यू है, 25,000 रुपए की, और क्या उसकी बुक वैल्यू थी, 20 की मशीन अगर 25 की बेकोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, याद है ना 11th क्लास की बुक वैल्यू और सेल वैल्यू की कंपैरिजन करते थे। उसके अलावा बताओ सारे बच्चे और क्या है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगने से क्या हो गया, वैल्यू कम, कितने डेप्रिसिएशन, 40, और कुछ है नहीं, हमारा टोटल 9,50,000, 40,90,000,
दस लाख पंद्रह हज़ार क्या आ गया, 10,15,000 में से इसको माइनस कर दो क्या आएगा बताओ, 8,60,000 4,10,000 नहीं 5,000 है सर, क्या 5,000 5,000 है, 8,65,000 तो 10,15,000 2,00,000 माइनस का 8,65,000 2,40,000 एक दो तीन, भाई मेरा तो मन है नहीं फालतू करने का, मैं ऐसे ही कर लूँगा, 11 में से 6 गए 5 और 9 में से 8 गए 1 1,50,000 है ना भाई साहब, 1,50,000 है ना, ठीक है तो 1,50,000 की परचेज आ गई, समझ आया मेरे बच्चों, तो ये निकालोगे तो देख लो आप, कहते यार नहीं अब बच्चों को हम परेशान भी तो करेंगे, ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है, बोलो यार, और पहली क्लास तो हर एक चैप्टर की क्या होती है, आसान नहीं होती है, बाकी तो मज़ा आता है, चैप्टर तुम्हारी हालत ख़राब कर देगा, होमवर्क मत करना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड भाई साहब रुला देगा, ध्यान रखना अगर क्लास मिस कर दे तो, पहले बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है ऑपरेटिंग में, इनडायरेक्ट मेथड, तो क्लास गलती से ही मत मिस कर देना भाई साहब, कल क्लास है, हाँ क्लास होगी कल, चलो कल क्या है फेयरवेल, कोई बात नहीं फिर रहने देंगे, चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, समझ आ गई बात या नहीं आई, अब बताओ सर आपने तो बहुत अच्छा सिंपल सा फंडा बताया, पैसा आया तो प्लस और पैसा गया तो माइनस, आप बताओ तो यहाँ पर लिख दो, प्रोसीड्स लिखना है तो प्रोसीड्स लिख दो, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, देखो मुझे अगर फॉर्मेलिटी करानी होती तो मैं किताब से करा लेता, तो ऐसा नहीं है, जहाँ मैं लगता है कि चीज़ें यूज़ करके कर सकते हैं वहाँ वैसे करा दो, लेकिन जहाँ लगता है कि चीज़ें खुद से बनेंगी तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, तो फिर वैसे, कितने इसकी सेल हुई है मशीन की, 25,000 और पेमेंट ऑफ, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, और ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ये ऐसा नहीं मैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, अगर मुझे YouTube वाले बच्चों के लिए बनानी हो तो मैं फटाफट जल्दी बनाऊं, ये मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं कि यार तुम्हें बैकअप मिल जाए, तुम बाद में तुम कर लो, समझ में आई बातें नहीं, और तुम फिर भी सोचते हो अरे नहीं यार तुम्हारे से तब भी कोई कमेंट नहीं होता, कभी लाइक नहीं होता, मतलब बड़े बेकार टाइप के बच्चे हो आप लोग, अब इसको बोलते हैं अनकंडीशनली करा करो आप लोग बिना कुछ बोले, अब एक बार बताओ मैं नहीं भी बनाऊँगा तो एक बार हो गया बस, तुम्हें तो कोई दोबारा बैकअप रहा और तुम्हें पता यार हमारा क्या लेवल है क्या नहीं है, दोबारा बैकअप पढ़ अच्छे से तुम सारी चीज़ समझ सकते हो, 1.50 की स्पीड पे समझ सकते हो, अब वो बात अलग है तुम घर पे आके उसको देखो ही ना या जरूरत ही ना पड़े तो, कौन टीचर करा रहा, कोई नहीं करा रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझा करो और अपने हिस्से की मेहनत करा, मुझे तुम्हारे से कोई स्वार्थी, मुझे तुम्हारे से कोई लालच नहीं है, मैं हमेशा अपने टीचर्स को अपनी टीम को भी मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब गौरव मुझे कभी बोलेगा भाई इस पे लाइक कर दो कमेंट, देख लेना जितनी बार भी गया है हमेशा लाइक हमेशा कमेंट, संगीता मैडम को स्पेशली बोल के मैं रहता हूँ सबकी वीडियो पे लाइक करो कमेंट करो, क्या जा रहा है उसमें हमारे पैसे लग रहे हैं क्या, तो जब मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं आपसे कोई टाइम नहीं मांग रहा, लेकिन आप उसमें भी कंजूसी करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, तुम छोड़ो तुम थोड़ी अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हो, हमें तुम्हारे से बस यही चाहिए पढ़ा रहे लाइफ में कामयाब हो जाओ, थोड़ा बहुत माइंड में कंट्रोल करने से, अदरवाइज बच्चों ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मौज मस्ती भी ज़रूरी है बट मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी क्या है ज़रूरी है, बात समझ आ गई या नहीं आएगी, अब तुम पूरे साल में ये सब चीज़ नहीं समझे तो क्या है, तुम्हें क्या लगता है कोई 12th के बाद तुम्हें डंडा दे के पढ़ाएगा, डंडा मार के पढ़ाएगा कोई, बेटा कुछ नहीं कोई नहीं पढ़ाएगा, घर वालों पर भी इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हें रोज़ यही चीज़ समझाता हूँ, तो ये चीज़ एक बड़ा एक बैड इंप्रेशन देती है कि यार आप उस घर से ऐसे कैसे आ गए, तू है धर्म भी तेरे घर वाले कितने परेशान, हर बार तेरा यही सिस्टम है, हर बार यही सिस्टम होता तो गुस्सा तो उन्हें भी आएगा ना, ऐसी बात थोड़ी है, मेरे बच्चे भी अगर ऐसा करेंगे तो गुस्सा तो फिर मुझे, फिर तुम्हें कोई तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठा दे, तुम्हें कोई बोल दे, फिर तुम्हें गुस्सा आ जाती है कि नहीं यार बताओ, अल्टीमेट तो तुम्हारे अच्छे के लिए तो कर रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, डोंट वरी, मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा अपने अंदर थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करो, थोड़ा बहुत अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, थोड़ा डायरी लेकर कि अब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जिंदगी में मौज मस्ती चलना भी तो ठीक नहीं है ना यार, क्या मौज मस्ती कर रहे हो बताओ, फन बनाना मौज मस्ती करना यारी दोस्ती ये सब मौज मस्ती है क्या, आगे लाइफ में जाएगा तुम्हारे साल का तुम्हारे साथ का बंदा 20-21 साल का बंदा दा मिर्दुल लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, अभी तुम 18 साल के हो तब मेहनत करके, अमित बड़ाना कैरी मराठी देखो तो उन्होंने भी तो मेहनत करी ना, हम थोड़ी ये कह रहे हैं कि तुम अपने इंटरेस्ट में मत जाओ, जाओ
लेकिन अगर तुम्हें पढ़ाई तुम्हारे से नहीं हो रही, एटलीस्ट इतनी कर लो कि 12th तक का रास्ता तुम्हारा क्या हो जाए, साफ हो जाए। अब तुम ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो, पता नहीं सर 12th भी भगवान भरोसे वाली चीज़ है, तो ऐसे तो दिक्कत हो, तुम्हारे भी यही हाल है। ज़बरदस्ती पता नहीं, अपना कोई कोर्स वोर्स कर लेना ब्यूटी पार्लर वार्लर का, बहुत सही रहेगा, बहुत पैसा है उसके अंदर, पढ़ाई के साथ साथ बीकॉम वीकॉम डाल देना और उसमें घुस जाना, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। ब्राइडल ब्राइडल के एक एक के क्या नाम है 20-25 मिलते हैं, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं रत्तूपुरा में, बहुत सारे कर भी रहे हैं। स्किल तुम लोग एडवांस एक्सेल जो भी है, एक्सेल जो तुम्हें मन का स्किल सेट जरूर ऐड करते रहना, ये आपके लिए भी एक स्किल सेट है। आपको भी तुम्हें लगे कोई भी चीज़ है, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे स्किल सेट वाले चीज़ है। बाकी तो खैर ज़िंदगी चली रही है। चलो जी, ये वाला मुझे लगता है 11th क्लास की एक वीडियो भेजूंगा, प्रोविज़न वाला तुम्हें याद आ जाएगा, बातें नहीं बंदा 11th वाले नोट्स है, वहाँ से देख लेना। इसको अभी रोक देते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब आप इसको कर लोगे, अच्छा ये तो बाद में होगा, मेरी वीडियो भेजूंगा तो उसमें मैंने करा रखा है, समझ आएगा कुछ या नहीं आएगा। और जिसको 11th का प्रोविज़न वाला कॉन्सेप्ट आता है वो अपने आप कर लेगा, बाकी मैं शायद अगली बार करा भी दूंगा। आओ जी, ये देखो, ऐसे कोई दूसरा अकाउंट बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लोगे, बोलो। कोई भी एसेट अकाउंट बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो, पेटेंट हो, कोई सा भी, उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट भी तो क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल, लॉस आएगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड, और प्रॉफिट डेबिट साइड, गेन या परचेज, बैलेंसिंग फिगर, बोलो यार। यस सर। बस खत्म कहानी। और इन्वेस्टिंग क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। ये वाला एग्जांपल ट्राई कर लेना, 38 क्लियर हो जाएगी बात, समझ में आ गई बात। यस सर। 39 कर लेना, अभी हो जाएंगे। तो जिसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसमें मेरे बच्चों आपको क्या करने पड़ेंगे, अकाउंट बनाने पड़े, अरे बोल दो यार। यस सर। बाकी तो जैसे अभी ये क्वेश्चन है इसको मत करना, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अगर प्रोविजन वाला कर लोगे तभी हो पाएगा, वरना रहने देना, समझ आया। यस सर। इसको भी अभी रहने देना। तो ये था इन्वेस्टिंग, ठीक है।